मोदी वर्सेस रेफरेंडम का टेस्ट यानी कि महागठबंधन का टेस्ट, तो फिलहाल इस टेस्ट में महागठबंधन ही पास होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका रिफ्लेक्शन अगर हम देख रहे थे कि अगर ये ट्रेलर है 2019 का, तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं भाजपा को तो थोड़ा बहुत भयभीत या फिर डरा फिर नर्वस कहीं करेगा ही। विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद है, जो कि लगातार बता रहे हैं कि राउंड्स एक के बाद एक आगे बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी की लीड कम होती जा रही है, आरएलडी की लीड बढ़ती जा रही है। विशाल पांडे, क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए सचिन, अभी 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है कैराना में, और 11 राउंड की काउंटिंग के बाद आरएनडी 42,100 वोटों के साथ आगे चल रही है। 11 राउंड की काउंटिंग में आरएनडी को 2,36,975 वोट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी को 1,84,875 वोट मिले हैं, यानी 42,100 वोटों के साथ आरएलडी की तबस्सुम बेगम कैराना में आगे चल रही है। और अगर हम नूरपुर का भी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, तो 17 राउंड की मतगणना नूरपुर में पूरी हो गई है, जहां विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, और 17 राउंड की काउंटिंग के बाद समाजवादी पार्टी मात्र 3,450 वोटों से आगे चल रही है। तो यहां पर लगातार आंकड़ा घटता बढ़ता जा रहा है नूरपुर में, समाजवादी पार्टी की जो बढ़त है वो लगातार कम होती जा रही है, लेकिन कैराना में विपक्ष यानी आरएलडी का जो आंकड़ा है बढ़त का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 42,000 का आंकड़ा पार कर चुका है सचिन। अगर विशाल इस पर थोड़ा सा और इलेबोरेशन अगर मैं चाहूंगा, अगर ऐसा ही रहा, अगर ऐसा ही होता है जो कि आप पहले बता रहे थे कि जिस तरीके से जो मैटर्स है वो काम किए, सब दलों का एक साथ आना काम किया, यानी कि जाट भी एक साथ हो गया, दलित भी एक साथ हो गया, मुस्लिम भी एक साथ हो गया, पिछड़ा भी एक साथ हो गया, अगर ऐसा हुआ है इसी ट्रेंड के हिसाब से, फिर तो ये लाख के ऊपर का मार्जिन पहुंच जाएगा। देखिए सचिन, यहाँ पर ए जो आपने पिछड़ा वर्ग की बात की, वो वोट बीजेपी की तरफ यहाँ पर जाता हुआ दिखाई पड़ा है, चाहे वो कश्यप हो, सैनी हो या गुर्जर हो, ये जो वोट बैंक है ये बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। कैराना में अगर हम विपक्ष के पक्ष की बात करें, जो उनके पास वोट गया है वो मुस्लिम वोट गया है, जाट वोट जाता हुआ दिखाई, गंगो जैसे विधानसभा में जो अधिकतर जाट आरएनडी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जो विपक्ष के लिए पक्ष में बात रही है वो ये है कि यहाँ पर जो दलित वोट था जाटव, वो विपक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया आरएलडी के कैंडिडेट पर, लेकिन जो ओबीसी वोट बैंक था जिस पर बीजेपी ने लगातार काम करने की कोशिश यहां पर की थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आता हुआ नजर आया है। इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार को अब तक 1,95,000 वोट मिले हैं 11 राउंड की काउंटिंग के बाद। उसमें गुर्जर आते हैं, उसमें सैनी आते हैं, उसमें कश्यप आते हैं, इस तरह अलग अलग छोटी छोटी जातियां हैं जिनका 40,000 से 50,000 तक वोट है कैराना में, वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। इस पर तो बीजेपी ने काम किया, लेकिन दलित वोट बैंक पर बीजेपी काम नहीं कर पाई। अगर हम कैराना की बात करें, तो कैराना में हमने जब यहाँ पोलिंग के दौरान पहुंचे, हमने काफी गुटबाजी भी बीजेपी में देखी थी। बीजेपी के नेता इस बात से ज्यादा कोई चिंतित नहीं थे कि बीजेपी जीतेगी, कितने से जीतेगी, कितने से हारेगी, वो इस बात से चिंता थे कि फलाना जो हमारा नेता जिसकी ड्यूटी लगाई गई है उसमें कैसे जो मार्जिन है वो जीत का कम होगा। कोई जाट नेता दूसरे जाट नेता को नहीं बढ़ने देना चाहता है, कोई बाहर का आया हुआ है तो वो यहाँ पर उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ के मंत्री सुरेश राणा है, गन्ना मंत्री है, उनको लेकर पार्टी में गुटबाजी हो गई, लोग उनके खिलाफ थाना भवन में लग गए। तो इस तरह की अलग अलग चीजें हमने यहाँ पर महसूस की। बीजेपी को जहां झटका लगा है एक तरफ विपक्षी गठबंधन की वजह से, दूसरी तरफ जो उनकी आपसी गुटबाजी थी उसका भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल। और ये प्रेम शुक्ला ये साफ नजर आ रहा है, विशाल बहुत वक्त से ग्राउंड पर है, जो तस्वीर वो बता रहे हैं ये कम से कम तस्वीर आपको डराती है, क्योंकि अगर इसी तरीके से कंसोलिडेशन रहा, ये पार्टियां इकट्ठी रही और जातिगत समीकरण के आधार पर इन्होंने 2019 में भी इसका रिफ्लेक्शन उठा के टिकट्स दी, और ऐसे ही बीजेपी एडमिट रही, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा, आपका गढ़ सुन सकता है। एक कैराना निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंतन का विषय है कि एकीकृत विपक्ष को हम किस तरह से पराजित करें, हमारे लिए चिंतन का विषय है। लेकिन एक पक्ष और आप भी देखिए कि पालघर एक लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, और पालघर में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, हमारे सहयोगी हमारे विरुद्ध थे, वहाँ कांग्रेस एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और कांग्रेस एनसीपी का जो प्रत्याशी था 7 बार का एमपी था, और वहाँ पर कांग्रेस 5वें स्थान पर चली गई है। एक संकेत भी है, एक संकेत कैराना का है, एक संकेत पालघर का है, तो मुझे लगता है कि हमको एक ही दोनों संकेतों में फर्क इसलिए भी आ जाता है ना नदीम जावेद, दोनों संकेतों में इसलिए भी फर्क हो जाता है जो प्रेम शुक्ला जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ 71+2 73 है, और दूसरी तरफ तो आप शिवसेना के साथ ही थे, लेकिन कंपैरिजन तो दोनों का बहुत ज्यादा होता नहीं। नहीं देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में एक सीट पर और भी चुनाव हो रहा है, और वो गोंदिया की सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, वो वहां से उन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद वो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। वहां पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जो जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कहने का तात्पर्य है कि अगर आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए और महाराष्ट्र की राजनीति को भी ले लें तो दो लोकसभा क्षेत्रों में से एक लोकसभा क्षेत्र में हमारा अलायंस यानी एनसीपी और कांग्रेस आगे है और दूसरे में बीजेपी आगे है। दूसरी बात पे आप आ जाइए कि दूसरे राज्यों में भी जहां उपचुनाव भी हाल में संपन्न हुए हैं, चाहे राजस्थान में अलवर हो और अजमेर हो, चाहे मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो और उसके पहले लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, कुल चाहे पंजाब के उपचुनाव हुए थे, कहने का तात्पर्य है कि जहां जहां उपचुनाव हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने में संपन्न हुए हैं वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पराजित होता हुआ दिखाई देता है एकाध अपवाद छोड़कर। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य में भी आपकी सरकार है यानी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में वहां आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है मगर उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है मगर राज्यों में आपके प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। नहीं, लेकिन लेकिन निनाद सेठ इसका तो जैसा आप कह रहे थे कि बायपोल का जो रिफ्लेक्शन है वो आम चुनावों पर जनरल इलेक्शन पर अमूमन नहीं होता है या फिर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से तो वो साफ नजर आ रहा है। जो मैं टीआर रामचंद्रन जी से भी जिक्र कर रहा था, विशाल ने भी उसको लेबोरेट कर दिया, पार्टी के अंदर गुटबाजी है। मुझे तो यहाँ पेट्रोल के प्राइसेस भी नजर आ रहे हैं, किसानों का डिस्ट्रेस भी है। देखिए, तीन चीजें साफ है। एक तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि गिनती चल रही है, उन्होंने ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया ऐसा लग रहा है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प है कि शायद उन्हें कुछ पता है जो हमें नहीं पता। लेकिन मैं तीन चीज़ें कहूँगा। ये लोकलाइज्ड फैक्टर्स ज़्यादातर नहीं होते, पर यहाँ तीन चीज़ें देर अभी तबस्सुम बेगम जो जैसे कह रही थी कि ऑपोजिशन हैज स्टूड अप टू बी काउंटेड। पहले ऐसा था कि कोई अल्टरनेटिव टीना फैक्टर है कोई तो वो अब नहीं है। अगर ये गठबंधन काम करता है तो अल्टरनेटिव हमारे को साफ नजर आ रहा है, पर एक या दो चुनाव की असेंबली में इस गठबंधन को साथ रखना और नेशनल जब प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा वो बहुत डिफरेंट चीज है। और एक और चीज मैं कहूंगा कि यहाँ पे जाट पार्टी ने कहा था कि हमें जिताओ नहीं तो जाट पार्टी ही खत्म हो जाएगी, तो वो एक एक्सेप्शनल वो भी है फैक्टर, वो बार बार रिपीट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से दो लिमिटेड चीजें, 30 सेकंड का गठबंधन, जो गठबंधन है वो अपना जरूर जोर दिखा रहा है, पर क्या इसे सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं वो तो हमें आगे वही जो पैन इंडिया की जब आप बात करते हैं। ठीक है, इसमें अनिल भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे लेकिन उससे पहले मुझे राकेश का रुख करना है। राकेश, प्रेम शुक्ला ये कह रहे थे कि एक तरफ अगर कराना है तो दूसरी तरफ देखिए हमारे पास पालघर भी है। पालघर जी बिल्कुल, अभी तक का जो ताजे आंकड़े आ गए उसके मुताबिक यही लगता है कि पालघर जो है वो बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरे पास सबसे ताज़ा जो लेटेस्ट आंकड़े हैं सचिन, मैं वो अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर बीजेपी को जो है 11 राउंड कंप्लीट होने के बाद 1,24,166 वोट मिले हैं, शिवसेना को जो है 1,05,677 वोट मिले हैं, और इसके अलावा भारतीय माफ कीजिएगा बहुजन आघाड़ी विकास जो है इसे 86,523, इसके अलावा CPM पार्टी जो है उसे चौथे रैंक पर 46,274 और कांग्रेस को जो है सिर्फ 25,720 वोट मिले हैं। यानी कि अभी भी बीजेपी जो है वो शिवसेना से तकरीबन 18,000 से 19,000 की बढ़त के साथ नंबर वन पोजीशन पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं पालघर जो है वो अभी भी बीजेपी के पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब तक इसमें तकरीबन जो है 33 राउंड कितनी होनी है उसमें से 11 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं, एक तिहाई जो हिस्सा है वो पूरा हो चुका है। आगे जो और काउंटिंग होगी उसमें भी क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है ये देखना होगा सचिन। ठीक है अनिल, क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ी जल्दबाजी होगी सिर्फ एक सीट के रिफ्लेक्शन के साथ 2019 में, जिसे तबस्सुम हसन कह रही थी कि अब देखिए यहाँ से पूरा रास्ता मिल गया 2019 में भी पूरा धूल चटाएंगे, आपको लगता है थोड़ी जल्दबाजी? सचिन जी, उत्तर प्रदेश का जो महत्व है देश के चुनाव में वो सभी जानते हैं और इसीलिए कई जगह चुनाव चल रहा है, लेकिन मुख्य जो चर्चा है कैराना पे सबकी नज़र बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के इर्द गिर्द तो नहीं गए कहीं रोड शो करने या कहीं सभा करने, सिर्फ कैराना ही आए ना, क्योंकि वो भी जानते हैं उत्तर प्रदेश का महत्व क्या है। जो आंकड़ा लगातार जो बढ़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो हार का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में धता बता रहा है। और महागठबंधन एक बड़ा फैक्टर है लेकिन कहीं ना कहीं इनके कर्म भी फैक्टर है। देखिए जिस तरह से वो योगी जी की जो सरकार बनी है और दलितों के प्रति जो उत्पीड़न हुआ है, उत्पीड़न छोड़िए जिस तरह से मजाक जो उड़ाया गया है कि दलितों के यहाँ इनके मंत्री जाते हैं लेकिन उनके यहाँ का खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, लगातार दलितों की पिटाई हो रही है, वो तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है। मैं तो 2019 का प्रोजेक्शन था, इसमें आपका पूछ रहा था ना, अगर ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो नेशनल लेवल पे एक अलग
समीकरण ही अलग हो जाता है। नहीं, उसके लिए जो आपको चाहिए, जो इश्यूज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का फेस चाहिए। मैं तो बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि इश्यूज पे बात होगी तो ये और बुरी तरीके से हारेंगे। नहीं, आप मुझे, निनाद साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए जो 2014 के वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, चाहे उसमें 15 लाख आने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो। अभी आपने सचिन भाई इतनी अच्छी बात कही, पेट्रोल दिखाई दे रहा है। भाई बिल्कुल दिखाई देगा, जब आप एक पैसा पेट्रोल कम करके गरीबी का मजाक उड़ाओगे। आप जो वादा आपने किया था कि हम महंगाई कम कर देंगे, सबको पता है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की क्या वैल्यू है और उसके बाद क्या क्या है। तो मुझे लगता है कि 19 वाला जो चुनाव होगा उसमें ये सारे फैक्टर भी काउंट करेंगे। पर अभी एक साल है, अंग्रेजी की एक कहावत है, वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, 1 ईयर इज एन एटर्निटी। तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर इकोनॉमी टर्न करती है, अगर ऑपोजिशन अपने आप को साथ नहीं रख सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर वापस है, वो और प्राइम मिनिस्टर एक फाइटर है, वो इस सेटबैक को लेके वापस आएंगे अपनी स्ट्रेटजी पे। तो काफी सारी चीजें, अभी बॉल इज इन प्ले। अभी 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 मैच में मेरे ख्याल से कुछ ओवर्स माइलस्टोन तो नहीं कहूंगा, पर कैराना का कोई तो असर पड़ेगा आगे आने वाली इलेक्शंस में। और ये ना भूलें हम सचिन कि जो साल के आखिर में 3 इलेक्शन आएंगी वो बहुत महत्व, उनमें से 2 तो बहुत महत्व रखती हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और आखिरकार एंटी इनकम्बेंसी वहां पर जरूर है, बिल्कुल है। इसको तो हम नकार नहीं सकते। और जो हिंदी हार्टलैंड से जो नंबर्स आए थे, अरिथमेटिक जो आया था बीजेपी को 2014 में, वो मेरे ख्याल में वो इतने हाई नंबर्स थे कि उसको मैच करना आसान नहीं होगा, उसी को रेप्लिकेट करना आसान नहीं होगा। तो मोदी साहब के लिए जो टेस्ट आने वाला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्ट है और देखना पड़ेगा। एक दो असेंबली की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक दो यहाँ से आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, अगर हिंदी हार्टलैंड अगर बीजेपी से छिटकता है या फिर असर पड़ता है, रिफ्लेक्शन ही पड़ता है, दक्षिण में तो आप पहले नहीं है, तो कुल मिलाकर के तो स्थिति आपके लिए हो जाएगी चिंता। देखिए, महागठबंधन का जो समीकरण है वो यूपी में एक टेस्ट के हिसाब से अच्छा बैठता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन के लिए, उससे एक मैसेज जाएगा। पर ये मैसेज क्या नेशनल लेवल पे जा सकता है कि नहीं, अभी मैं नहीं कह सकता। हाँ, अब जो राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी काफी तेज है, अब बीजेपी के लिए राजस्थान का जो इलेक्शन आने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर राजस्थान में वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, दूसरी चीज भी हो जाती है ना कि राज्य की एंटी इनकम्बेंसी क्या केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी में भी शामिल होगी, ये भी तो हो जाता है, क्या हम उससे वो कर लेंगे। बाय एंड लार्ज ऐसे होता नहीं है, और जो इम्पैक्ट यूपी में होता है उसका कुछ असर नेशनल लेवल पे वो बिल्कुल वो असर पड़ेगा ही। हाँ, वो तो पड़ता साफ नजर आ भी रहा है। और विशाल हमारे को लगातार इस बारे में अपडेट भी दे रहे हैं। विशाल से एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विशाल, नूरपुर से क्या खबर है और साथ ही साथ कैराना से? देखिए सचिन, नूरपुर में 19 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और 19 राउंड की काउंटिंग के बाद समाजवादी पार्टी ने 3500 से 6642 वोटों पर तक बढ़त बना ली, यानी अब 6462 वोटों से समाजवादी पार्टी नूरपुर में आगे चल रही है 19 राउंड की मतगणना के बाद। और अगर हम कैराना की बात करें तो अभी 13 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है और 13 राउंड की काउंटिंग के बाद आरएलडी 41391 वोटों के साथ आगे चल रही है। आरएलडी को 270181 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 228790 वोट मिले हैं। यानी कैराना में आरएलडी की तबस्सुम बेगम लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो नूरपुर में समाजवादी पार्टी भी लगातार बढ़त बनाए हुए, भले उसके आंकड़े में तब्दीली हो रही है, उतार आ रहा है, चढ़ाव आ रहा है, लेकिन अब 19वें राउंड के बाद 6462 वोटों के साथ समाजवादी पार्टी नूरपुर में आगे चल रही है। तो अब देखना यह होगा कि बहुत कम अब वो काउंटिंग के राउंड्स बचे हुए हैं, यानी कि लगभग 11 राउंड कैराना में बचे हैं और 5 राउंड नूरपुर में बचे हुए हैं। अब इस नूरपुर में थोड़ी सी निगाहें सबकी टिकी हुई, क्योंकि 5 राउंड में क्या कुछ चेंज आ सकता है, क्योंकि वहां पर जो अभी अंतर चल रहा है समाजवादी पार्टी का वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए नूरपुर पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कैराना की अगर हम बात कर लें तो कैराना में जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आरएलडी के खाते में जाती हुई कैराना दिखाई दे रही है, जो कि महागठबंधन ने एक प्रयोग किया, पहली बार जाट, मुस्लिम और दलित जो समीकरण था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश
प्रदेश में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और 2013 के बाद से पहली बार आरएलडी अपना अस्तित्व बचा पाने की एक स्थिति में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जो आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह हैं, उनके बेटे जयंत चौधरी, उनके अस्तित्व की ये लड़ाई थी, कहीं ना कहीं इस लड़ाई में वो सफल होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं 13 राउंड की। मैं तभी तो कह रहा था ना विशाल, और हम भी तभी कह रहे थे कि कैराना का असर तो कम से कम जरूर होगा 2019 तक। अगर ये महागठबंधन का कोई टेस्ट था, महागठबंधन का लिटमस टेस्ट था, तो कैराना टेस्ट में अगर वो पास होता नजर आ रहा है तो 2019 के लिए उसको ये कितनी बड़ी होप देता है, कितनी बड़ी संजीवनी देता है। 16 राउंड आया लगता विशाल कुछ और अपडेट दे रहे हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, यही सवाल मेरा आपसे, अगर यहां पर ये कैराना एक टेस्ट था जिसमें महागठबंधन पास होता नजर आ रहा है, आपको यहां पर 71-73 सीटें ना केवल बचानी है, वापस भी आना है, प्रदर्शन भी दोहराना है, तो ऐसे में जब जाति समीकरण के हिसाब से पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या गणित काम कीजिएगा? 13 राउंड के मतगणना हुई और 13 राउंड की मतगणना में भी आप कहेंगे कांटे की टक्कर है। 41 हमको भी जो है 2 लाख से अधिक वोट मिले, उनको भी 2 लाख से अधिक वोट मिले, 41,000 का अंतर है। और कैराना का समीकरण और पूरे उत्तर प्रदेश के समीकरण में बहुत सारा अंतर भी है, लेकिन ये निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंतन का विषय है कि एकीकृत विपक्ष को हम कैसे परास्त करें। और एकीकृत विपक्ष को परास्त करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी और हमारी जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, वो आखिरी आदमी तक पहुंचाकर हम जनादेश अपने पक्ष में कैसे लें, इस पर काम निश्चित तौर पर करना होगा।